नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल डॉक्टर ताथिज होम्योपैथी में दिल से स्वागत है मैं डॉक्टर नेहा और आज हम जिस टॉपिक के में टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डी एन एस डिविएटेड नाजल सेप्टम अगर आपको भी एक नासिका से सांस लेने में दिक्कत होती है बार बार श्वसन प्रणाली का आपको संक्रमण होता है अगर आपका एक आपकी जो नासिका होती है वो हमेशा बंद रहती है और हमेशा इसमें से सांस लेने में दिक्कत होती है जिसकी वजह से आपकी नींद ख़राब होती है अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है और इसलिए आप सर्जरी करवाने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी आप सर्जरी करवा चुके हैं लेकिन फिर भी आपकी तकलीफ जैसी की वैसी ही है तो ये वीडियो आपके लिए है तो आइए जानते हैं इस वीडियो में डीएनएस डिविएटेडम क्या होता है इसके कारण क्या होते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं एंड सबसे महत्वपूर्ण कि होम्योपैथी इसमें आपकी कैसी मदद कर सकती है तो डीएनएस क्या होता है इसके पहले हम ये जानते हैं थोड़ी संक्षेप में हम नाक की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं इस जिससे हमें इस बीमारी को और अच्छी तरह से समझने में मदद होगी तो हमारी नासिका हमारा नाक जो होता है उसके बीच में एक पार्टीशन होता है जिसे कहते हैं नेजल सेप्टम ये हमारी नाक को दो दो भागों में एक सरीके को एक सरीका बांटता है तो ये नेजल सेप्टम जो होता है इसका ऊपर का एक तिहाई जो भाग होता है वो बहुत ही कड़ा होता है जो दो हड्डियों से मिलकर बनना होता है वो होता है मैग्जलरी क्रेस्ट एंड वोमर नामक के बोन से ये बनता है एंड दो तिहाई नीचे का हिस्सा जो होता है वो क्वाट्रेंगुलर काटिले से बना होता है जो कि बहुत ही लचीला होता है और सॉफ्ट होता है अब जो नॉर्मल लोग होते हैं इसमें जो ये सेप्टम होता है ये पार्टीशन जो होता है वो एकदम सीधा होता है लेकिन जिनको डी की तकलीफ होती है उन लोगों में ये पार्टीशन जो होता है वो दाई या बाई की तरफ झुका हुआ होता है अब ये कितना झुका हुआ है इसके ऊपर इसका डिग्री या ग्रेड जो है वो डिपेंड करता है अगर बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है तो इसमें लक्षण भी बहुत ही सौम्य तरीके आते हैं और इसमें इलाज ना भी करवाए तो भी चलता है पेशेंट अपने आप ही ठीक हो जाता है दो तीन दिनों में लेकिन अगर झुकाव ज़्यादा है तो आपको आपके प्रशिक्षित डॉक्टर से लिए के पास जाना चाहिए इसका परीक्षण करवाना चाहिए और आपका आपको इसका इलाज करवाने की जरूरत है क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं लक्षण होते हैं वो बहुत ही गंभीर रूप के हो सकते हैं अब आइए जानते हैं इसके कारणों की तरफ कि Uh, कारण क्या होते हैं डी में क्यों होता है ये जब बच्चे का जन्म होता है तो इस प्रसव के दौरान अगर छोटे नवजात शिशु के नाक में अगर कुछ uh, आघात होता है तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं और उसकी वजह से आगे चल के उसको ये परेशानी हो सकती है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो खेलते हैं कूदते हैं या और बड़े होने के बाद वो ग्राउंड पर खेलते हैं तो उस समय भी अगर नाक को कोई इंजरी होती है तो उसमें भी ये परेशानी आगे चल के हो सकती है अब कुछ एक्सीडेंट भी होते हैं जिसमें फेशियल इंजुरी हो होती है चेहरे पर घाव होते हैं उसमें भी नाक में अगर इंजरी होती है तो आगे चलकर डी एन की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों में ये अनुवांशिक भी देखा गया है अब एक अनुसंधान भी हुआ है जिसे, जिसे जर्मन न्यू मेडिसिन कहते हैं उसमें डॉक्टर हैमर कहते हैं कि जब भी नाक संबंधी कोई बीमारी होती है तो उसका स्टिंक्ट या सेंट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अब इसे हम बहुत सीधी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या होता है इसे समझेंगे कि जैसे किसी ने नाक में दम कर दिया हो या किसी के नाक में दम करना है या और अच्छी तरह से समझने समझने के लिए हम कहेंगे कि आ, किसी ऐसे सिचुएशन में कोई इंसान बहुत एक परिस्थिति में फंस गया है फेडअप हो गया है आगे होने वाले किसी कारण के लिए किसी काम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है जैसे सैंटिसिपेटरी फियर हम कहते हैं या भी बिना वजह किसी चीज़ के लिए डर लगना जिसे हम पोटेंशियल फियर कहते हैं इस तरीके की कि अगर किसी सिचुएशन में इंसान है तो उनमें भी इस डी के होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं अब जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं अब लक्षणों में होता है कि बार बार सर्दी खांसी होना सर्दी जुकाम होना नाक बंद होना एक ही नाक से सांस हम ले पाते हैं या कभी कभी दोनों नाक बंद हो जाती है बार बार बहुत ज़्यादा छीके आना नाक बंद होने की वजह से रात को नींद आना बार बार ये इन्फेक्शन होना ये तकलीफ़ी होती है उपचार अगर नहीं लिए तो ये बढ़ बढ़ती जाती है और फिर उस इंसान की सूंघने की क्षमता कम हो सकती है नाक में से खून आना हो, चालू हो सकता है और इसको भी अगर बहुत देर तक पेशेंट ने ठीक से उसके ऊपर दवाइयाँ नहीं लिया उपचार नहीं लिया तो उसके बाद पेशेंट को ये बहुत ज़्यादा दिन तक परेशानी की वजह से नींद न आने की तकलीफ होती है और उसकी वजह से सारा दिन चिड़चिड़ाहट अस्वस्थता जो है वो पेशेंट महसूस कर सकते हैं अब आइए इसके निदान की ओर चलते हैं निदान कैसे होगा अगर ऊपर दिए हुए कोई भी लक्षण अगर आपको अपने में नज़र आते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और उनसे अपना परीक्षण करवाएं डॉक्टर परीक्षण करते ही आपको बताएंगे कि आपको डी की तकलीफ है हाँ कुछ केसेस में अगर इसकी गंभीरता का आकलन हमें करना है तो सी स्कैन एक्सरे एम आर जैसे तकनीकों का हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है इसके बाद आते हैं सबसे लास्ट लेकिन महत्वपूर्ण इस मोड़ के ऊपर कि होम्योपैथी आपको इसके में कैसे मदद कर सकती है अब बहुत सारे पेशेंट जैसे लक्षण होते हैं वैसा इसका उपचार करवाते हैं अस्थाई तौर के ऊपर बहुत दिन तक ये उपचार करवाते रहते हैं लेकिन बार बार ये तकलीफ होने के बाद वो सर्जरी करने का भी डिसीजन लेते हैं लेकिन कुछ लोग सर्जरी करवाने के बाद भी उन्हें वही की वही तकलीफ जो होती है कुछ दिनों के बाद फिर से शुरू हो जाती है ये चक्र जो है वह ऐसे ही चलता रहता है इसमें से बहुत कम जो पेशेंट होते हैं वो बहुत अगर स्टेज कम है तो ठीक भी हो जाते हैं लेकिन बहुत सारा पेशेंट पेशेंट्स में हमने देखा है कि वो ठीक नहीं होते यही इसके विपरीत अगर आप अपना इलाज एक होम्योपैथिक प्रशिक्षित होम्योपैथिक डॉक्टर से करवाते हैं तो आप इस कंडीशन से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं अब होम्योपैथी कैसे मदद करेगी आपको तो होम्योपैथिक डॉक्टर प्रशिक्षित होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी पूरी केस लेते हैं इसमें आपकी बीमारी कैसे चालू हुई ये कैसे बढ़ी आपको इसके पहले भी ऐसी कोई बीमारी हुई है क्या आपकी फैमिली में से कोई बीमारी है क्या आपको कोई स्ट्रेस या टेंशन है क्या और इसके अलावा आपका व्यवहार कैसा है आपका स्वभाव कैसा है इसके बहुत सारे पहलुओं का अभ्यास किया जाता है और ये पूरा अभ्यास करके एक सिमिलिमम मेडिसिन आपके लिए निकाली जाती है और ये मेडिसिन ये दवाइयाँ जो है एक विशिष्ट मात्रा में आपको दी जाती हैं जब ये दवाइयाँ आप लेते हैं तो ये दवाइयाँ जो होती है आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करती है और आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है जैसे जैसे ये दवाइयों का कोर्स चलता है वैसे वैसे ही पेशेंट को अपने भाई उसके जो सिम्टम्स होते हैं लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और इसी के साथ उसे आंतरिक तौर से भी बहुत अच्छा महसूस होने लगता है उसकी चिड़चिड़ाहट जो होती है वो अस्वस्थता जो होती है वो कम होती है उसे उत्साही लगने लगता है और वो ऊर्जावान भी महसूस करने लगता है इसके इसमें सबसे आखिरी में मैं आपको सिर्फ एक टिप बताना चाहूंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है डीएनएस या श्वसन प्रणाली से संबंधित अगर कोई भी तकलीफ आपको होती है तो इसमें आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको संयम रखना होगा अगर आप बार बार अपने अपने डॉक्टर को चेंज करेंगे या दवाइयों से इफेक्ट नहीं आ रहा है ऐसा सोच के आप हमेशा अगर अपने मन से दवाइयाँ लेना चालू करेंगे या ये डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर दूसरे से तीसरे डॉक्टर ऐसे डॉक्टर चेंज करते जाएंगे तो आपको इसमें इसमें राहत नहीं मिलेगी और परेशानी जो है वो जो तो रहेगी और परेशानी उल्टा बढ़ते जाएगी इसलिए थोड़ा सा संयम रखें जिस डॉक्टर के पास आप अपने इलाज कर रहे वहीं से आप अपना इलाज हमेशा के लिए हमें कंटिन्यू रखिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक एक कोर्स होने के बाद एक कुछ महीनों के बाद आपकी रोग प्रतिकारक प्रणाली इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको हमेशा के लिए इसके इससे निजात हो जाएगा और जब होम्योपैथी से आप अपनी ट्रीटमेंट करवाते हो उसके बाद अगर किसी ट्रिगर को आप एक्सपोज भी होते हैं जैसे किसी ने ठंडा खा लिया खट्टा खा लिया धूल में चले गए या कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर उस पेशेंट के लिए अगर होता है तो वो होने के बाद भी आपको ये तकलीफ नहीं होगी ये लेकिन ये सिर्फ होम्योपैथिक के द्वारा जब आप अपना इलाज करवाएंगे तभी ये पॉसिबल है अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे ज़रूर साझा करें इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच